दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे, BSNL यूनियन ने कहा है थर्ड PRC चाहिए, VRS नहीं चाहिए, और बहुत सारे मुद्दे पर मुहर लगी है। यदि VRS यदि थर्ड PRC नहीं दिया तो एक लंबी योजना बन रही है, मैनेजमेंट को अब देना ही पड़ेगा थर्ड PRC। दोस्तों, हम क्यों ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट को थर्ड PRC देना पड़ेगा और VRS2 को स्टॉप करना पड़ेगा। जो सरकार ने सोचा है कि VRS2 दिया जाएगा, उसको अब स्टॉप करना पड़ेगा। चलिए, क्यों ऐसा होने वाला है हम आपको बताते हैं। कोलकाता में आयोजित ऐतिहासिक CEC बैठक, BSNLU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक 25 और 26 सितंबर 2024 को कोलकाता में आयोजित की गई। यह बैठक कोलकाता के उल्टाडंगा में कृषि और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के सहकारी प्रबंधन संस्थान में आयोजित की गई है। BSNLU के सर्किल यूनियन कोलकाता टेलीफोन सर्कल ने CEC सदस्यों के लिए उनके आरामदायक रहने के साथ साथ भोजन की भी बेहतरीन व्यवस्था की थी। बैठक 25 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ शुरू हुई। BSNLU के अध्यक्ष कॉमरेड अनिमेश मित्रा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यूनियन का लाल झंडा वरिष्ठ नेता कॉमरेड जे संपत राव AGS ने फहराया। शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। CEC की बैठक स्वागत सभा के साथ शुरू हुई। कॉमरेड शिशिर राय AGS, साथ ही कॉमरेड शंकर केशर नेपाल सर्किल सचिव कोलकाता टेलीफोन सर्कल ने CEC सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उद्घाटन सत्र हुआ। CEC सदस्यों के साथ साथ कोलकाता टेलीफोन सर्कल के काफ़ी संख्या में सक्रिय कॉमरेडों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उद्घाटन भाषण कॉमरेड पी अभिमन्यु GS ने दिया। महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध वास्तव में यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच युद्ध है। महासचिव ने कहा कि इस युद्ध का कारण यूक्रेन को नाटो में शामिल करके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा नाटो का विस्तार करने का प्रयास था, जिसे रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। उन्होंने गाजा में इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार की निंदा की तथा बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए घटनाक्रमों के बारे में बताया। महासचिव ने भारत में व्याप्त स्थिति, विशेषकर पिछले संसदीय चुनाव के परिणाम, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में विफल रही, पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत के लोग अब RSS और सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा फैलाई जा रही सांप्रदायिक नफरत से मूर्ख बनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि आम लोगों की आजीविका के मुद्दे जैसे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा आदि मतदाताओं के दिमाग पर हावी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ भाजपा को उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य उत्तरी राज्यों में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। महासचिव ने वेतन संशोधन के मुद्दे को न सुलझने के पीछे के कारणों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वेतन वार्ता समिति में आपसी सहमति से तय किए गए नए वेतनमानों को लागू करने से इनकार करने के BSNL प्रबंधन के अड़ियल रवैये ने वेतन संशोधन के समाधान में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने हाल ही में माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लिखे गए पत्र पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार BSNL की खराब वित्तीय स्थिति के कारण कार्यरत में नहीं है।
महासचिव ने अन्य गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की, जैसे कि BSNL में दूसरा VRS लागू करने के लिए प्रबंधन और दूर संचार के प्रयास। BSNL तो दोस्तों जैसा इसमें लिखा हुआ है, BSNL में दूसरा VRS प्रबंधन और दूर संचार विभाग प्रयास कर रहा है। फिलहाल यूनियन जोर देकर कह रहा है कि यह लागू नहीं होगा। वहीं BSNL की 4G और 5G सेवाओं को शुरू करने में अत्यधिक देरी, जनशक्ति के पुनर्गठन के नाम पर पदों को समाप्त करने से उत्पन्न कठिनाई, नई पदोन्नति नीति को लागू करने की आवश्यकता और अन्य मुद्दे हैं। उद्घाटन सत्र के बाद विषय समिति की बैठक शुरू हुई। सदन ने 1 मिनट का मौन रहकर दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अध्यक्ष कॉमरेड अनिमेश मित्रा ने अध्यक्षीय भाषण दिया। इसके बाद महासचिव द्वारा गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में उपस्थित सभी सर्कल सचिवों एवं केंद्रीय पदाधिकारियों ने महासचिव द्वारा प्रस्तुत गतिविधियों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श में कुल 49 साथियों ने भाग लिया। सभी साथियों ने वेतन संशोधन के निपटारे के ना होने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी ठहराव से काफ़ी पीड़ित हैं। एक स्वर में सभी CEC सदस्यों ने BSNL में दूसरे VRS के कार्यान्वयन का विरोध किया। कर्मचारियों ने नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए नई पदोन्नति नीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। CEC सदस्यों ने CHQ से BSNL में सभी यूनियनों और एसोसिएशनों के बीच एकता बनाने, वेतन संशोधन के निपटारे और 4G और 5G सेवाओं को तुरंत शुरू करने के लिए एकजुट कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और BSNL और कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। तो दोस्तों CEC बैठक में कुछ निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय का अर्थ है कि सरकार से मांग है कि इन निर्णय को लागू किया जाए। तो चलिए बताते हैं। पहला जो है, CEC बैठक ने BSNL में दूसरे VRS को लागू करने के लिए BSNL प्रबंधन और दूरसंचार विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को गंभीरता से लिया। बैठक में दूसरे VRS का दृढ़ता से विरोध करने और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों जैसा कि आप फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं कि BRS 2 BSNL प्रबंधन बहुत गंभीरता से लागू करने वाला है। हालांकि BSNL यूनियन इसका विरोध कर रहा है। अब यह देखने वाली बात है कि यह विरोध कब तक रहता है और सरकार कब फैसला वापस ले लेती है। हालांकि इस पर अभी कोई स्थिति नहीं है, स्पष्ट स्थिति BRS 2 को लेकर अभी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। वहीं दूसरा जो है, CEC बैठक ने नॉन एग्जीक्यूटिवों के वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने में अत्यधिक देरी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक में दृढ़ता से मांग की गई कि प्रबंधन को नॉन एग्जीक्यूटिवों के नए वेतनमानों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए, जिसे प्रबंधन पक्ष और कर्मचारी पक्ष के सदस्यों के बीच आम सहमति के माध्यम से 27/7/2018 को आयोजित वेतन संशोधन समिति की बैठक में पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। तो दोस्तों अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आखिर BSNL कर्मचारी को 3rd VRC क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है कि जो 27/7/2018 को वेतन संशोधन की समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें जो पे स्केल तय किए गए थे, कुछ निर्णय लिए गए थे, सरकार अब उस निर्णय से पीछे भाग रही है। मैनेजमेंट उस निर्णय को लागू करने के पक्ष में नहीं है और नए सिरे से फिर से विचार कर रहा है। इस विचार में पे स्केल
कम हो जा रहा है, जिसके कारण नन यूनियन इनको मान नहीं रहा है। वहीं तीसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सीईसी की बैठक में सीएचक्यू को वेतन संशोधन का निपटारा। बीएसएनएल द्वारा 4G और 5G सेवाओं को तत्काल शुरू करने, नॉन एग्जीक्यूटिवों के लिए नई पदोन्नति के कार्यान्वयन, जनशक्ति के पुनर्गठन की समीक्षा आदि ज्वलंत मुद्दों के निपटारे के लिए अभियान और आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने की पहल पर निर्देश दिया गया है। तो विभिन्न मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये आंदोलन कब होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप लोगों को भी इसमें भाग लेना चाहिए। और वहीं थर्ड पीआरसी की जो बात है, नीचे भी कई बातें कही गई है जिससे साफ महसूस होता है कि सरकार को हर हालत में थर्ड पीआरसी मुद्दे को मानना पड़ेगा और VRS 2 को वापस लेना पड़ेगा। हालांकि जो सरकार सोच रही है, मैनेजमेंट सोच रहा है। बैठक में सुझाव दिया गया कि अभियान कार्यक्रम BSNL AU, AIBDPA और BSNL CCWF की समन्वय समिति के मंच के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। बैठक में CHQ को वेतन संशोधन का निपटारा न होने, BSNL की 4G 5G सेवाओं को शुरू करने में अत्यधिक देरी और सरकार की अन्य BSNL विरोधी नीतियों के मुद्दों पर कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्मचारियों से मिलो कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, जो भी मुद्दा है BSNL कर्मचारियों का, आखिर ये मुद्दा हल क्यों नहीं हो रहा है? BSNL 4G 5G शुरू करने में इतना देरी क्यों हो रही है? इसको लेकर कर्मचारियों से मिलो कार्यक्रम एक आयोजित किया जाएगा जिसमें कर्मचारियों को बताया जाएगा, क्योंकि कई कर्मचारी को जानकारी नहीं है कि आखिर BSNL में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, यूनियन क्या कर रहा है। तो इसी को लेकर कर्मचारियों को जानकारी दी जाएगी, जागरूक किया जाएगा। विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ ने 3 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस आयोजित करने का आह्वान किया है, जो WFTU की स्थापना 79 स्थापना दिवस है। WFTU ने निम्नलिखित कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर कार्य स्थितियों की मांग को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाने का निर्देश दिया है। तो इसका चार मांग है दोस्तों, चार मांग में है। पहला, एक सभ्य वेतन, एक वेतन का स्टैंडर्ड होना चाहिए जहाँ पे आदमी जी सके, कुछ भविष्य के लिए बचा भी सके। फिलहाल अभी जो स्थिति है BSNL कर्मचारियों का सारा वेतन खर्च हो जा रहा है और उनको सेविंग के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी भविष्य में क्या होगा या बहुत ही बड़ी मुश्किल है। वहीं दूसरा जो है, काम करने के घंटे कम होना चाहिए। तो अभी जो 8 घंटे हैं इनको कम करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, मेडिकल सुविधा आदि नहीं मिल रहा है, इनको भी ये भी मिलना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल रही है अच्छी तरह से BSNL कर्मचारियों को, तो मिलना चाहिए। WFTU के आह्वान को स्वीकार करते हुए BSNL AU की CEC बैठक में 10 शहरों अर्थात कोलकाता, पुणे, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा और गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। उस दिन प्रदर्शन और सेमिनार आयोजित किए जाने हैं। सातवां जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बैठक में विभिन्न सर्कलों में यूनियनों की सशुल्क सदस्यता शक्ति की समीक्षा की और बताया कि कुछ सर्कलों में यह संतोषजनक नहीं है। बैठक ने सदस्यता शक्ति में सुधार के लिए संबंधित सर्कल यूनियनों द्वारा तत्काल उपाय करने का आह्वान किया है। आठवां जो है, बैठक ने विभिन्न सर्कलों में BSNL वर्किंग वुमेन कोऑर्डिनेशन कमेटी के कामकाज की समीक्षा की। CEC की बैठक में एक बार फिर दोहराया गया
कि जहां भी अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है वहां BSNL WWCC सर्कल समितियों का तुरंत गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम के सर्कलों में BSNL WWC समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। बैठक में जोर दिया गया कि ये कार्य BSNL EU के संबंधित सर्कल यूनियनों द्वारा किए जाने चाहिए। नम्मा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है BSNL कैजुअल कॉन्टैक्ट वर्कर फेडरेशन की केंद्रीय कार्यकारी समिति की एक बैठक 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हो रही है। उसमें निर्णय लिया गया है जिला यूनियनों द्वारा। बैठक में KG बॉस भवन और नई दिल्ली में दादा घोष भवन में मरम्मत कार्यों के लिए किए जाने वाले व्यय की मंजूरी दी गई। 11वां जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बैठक में जम्मू और कश्मीर सर्कल यूनियन के सर्किल सम्मेलन के आयोजन और नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए अखिल भारतीय केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों को मंजूरी दी गई। बैठक में सर्कल सम्मेलन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए CHQ की सराहना भी की गई है। बैठक में अखिल भारतीय केंद्र द्वारा कॉमरेड उपेंद्र सिंह तेवतिया को UP सर्कल के सहायक सर्कल सचिव के पद से हटाने, यूनियन फंड की दुरुपयोग और यूनियन अनुशासन का गंभीर उल्लंघन करने के लिए की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को पूरी तरह से मंजूरी दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि CHQ को कॉमरेड उपेंद्र सिंह तेवतिया के खिलाफ उनके द्वारा उपयोग किए गए यूनियन के पैसे की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है दोस्तों, कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। तो चलिए, केंद्रीय कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव पारित किए हैं। तो CEC की बैठक सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए कोलकाता सर्कल यूनियन को हार्दिक धन्यवाद करता है। वेतन संशोधन के तत्काल निपटान पर BSNL की 4G 5G सेवाओं को शीघ्र लागू करने पर, BSNL में दूसरे VRS को लागू करने के खिलाफ, जनशक्ति के पुनर्गठन की समीक्षा करने की आवश्यकता, TIP को समाप्त करके BSNL द्वारा पूरी तरह से FTTS सेवा प्रदान करने की आवश्यकता, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए नई पदोन्नति लागू करने की आवश्यकता, विभिन्न सर्कलों में सर्किल परिषदों के पुनर्गठन में अत्यधिक विलंब, पर्वतीय सर्कलों तथा दूर दराज क्षेत्रों वाले सर्कलों के नॉन एग्जीक्यूटिव संवर्गों में पदों की विशेष स्वीकृति। तो वहीं दोस्तों, ये 4 नंबर का जो TIP को समाप्त करके BSNL द्वारा पूरी तरह से FTTS सेवा प्रदान करने की आवश्यकता, ऐसा होता है तो VRS2 की BSNL में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार ऐसा करे तो कई नियुक्तियां भी निकल सकती है, साथ ही साथ कई लोगों को सरकारी रोजगार भी मिल सकता है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। टिप के द्वारा हर चीज़ BSNL प्रोवाइड कर रहा है। अतः सभी सर्कलों तथा जिला यूनियनों से अनुरोध है कि CEC बैठक के निर्णय को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए गंभीरता से प्रयास करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।